मिलता है, मगर इतना अच्छा वाला नहीं मिलता है ना। सलाम अलैकुम। मुझे मिसेज रहमान शिराजी का शोहर कहते हैं। अच्छा, आपका भी तो इस घर में कोई पोजीशन होगा ना साहब? जब से मेरा नाम बेगम साहिबा के साथ अटैच हुआ है, मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं। जिस तरह बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम कहना कोई जरूरी नहीं है, इस तरह मेरा जिक्र भी इस घर में कोई जरूरी नहीं है। बस आप मुझे बेगम साहिबा का अटैच बाथरूम समझें। एक्सक्यूज मी प्लीज। एक्सक्यूज मी। हुजूर ने मुझे याद फरमाया जी। हाँ, लड़के वाले तो सब आ गए, इरफान कहाँ है? जी मुझे पता नहीं जनाब। 15 मिनट के अंदर अंदर मेरा बेटा यहाँ होना चाहिए। अब देखिए, ये होना ना होना तो उसके इख्तियार में है, लेकिन ये जो 15 मिनट की पाबंदी आप लगा रही हैं, इसमें बेटा होना बहुत मुश्किल। बकवास बंद कीजिए। और हाँ, लड़के वालों को टटोलिए कि वो जहेज में और क्या क्या दे रहे हैं। मैं 15 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपका फल ये जा रहे हैं ये। अरे बड़े बड़े जबान कट जाएगी। वो बेगम साहिबा याद कर रही थी, मेरे बगैर तो वो एक पल रह नहीं सकती ना। कोई बात, ये आपने लड़के के कैरेक्टर के बारे में तो मालूम कर लिया। हाँ, हमने आपका बेटा के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। जी हाँ, वो कैरेक्टर का तो बहुत अच्छा है, मगर हम आपको डार्क में नहीं रखना चाहते। लड़का थोड़ा प्याज खाता है। क्या खाता है? प्याज खाता है। मगर वो आपका बेटा है किधर? वो आ गया। ए बेटे, ये है हमारा बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है मिस्टर पूना वाला और ये है मिसेस पूना वाला। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। सॉरी मिसेस पूना वाला, अब जरा ड्रेस अप होने में देर हो गई, आपने फील तो नहीं किया? डजंट मैटर मिसेस रहमान शिराजी, अगर औरत तैयार होने में देर नहीं लगाएगा तो फिर और कौन लगाएगा? क्या ख्याल है, अपना महीने की रस्म शुरू की जाए? मेरे ख्याल से बेगम साहबा थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हो सकता है सलमान आता ही हो। भोपू वाले आए हैं, भोपू वाले। क्या? अरे वो पीपड़िया नहीं बजाते, पीपड़िया। और मिस्टर पूना वाला, आप मंगी रस्म में अब बैंड बाजा नहीं है? हम नहीं लाए बैंड बाजा। तो फिर शेर साहब, ये आपका बाजा बज गया।
देना, तूने हमारे बेटे की मंगनी में खूब रंग जमाया। अरे अभी कहाँ जमाया है बैगन साहिबा, ये तो एक छोटा सा नमूना दिखाया है। जो कुछ भी है बहुत खूब है। हाँ, बात हमारी समझ में नहीं आवे, इसमें उल्टा दस्तूर क्यों है? उल्टा दस्तूर? हाँ बैगन साहिबा, देखिए ना, हमारे गाँव में पहले मंगनी होवे फिर शादी। अगर तुम अपने बेटे की मंगनी शादी के बाद क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? मत बलियो कि इस बाबू की शादी हो चुकी है। कोई बड़ा खातून कहती है कि इरफान की शादी हो चुकी है, झूठ बोलती है। हाय 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 बानू कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ इतवार नहीं ना तो पूछने हो अपने बिचवा से। चुप क्यों खड़ा है बाबू, अपनी मैया को बता देना कि तेरी शादी हो चुकी है। हाँ डरो ना बेटे, सच सच बता दो, तुम्हारी माँ में ये खूबी है कि सच्ची बात पसंद करती है। हाँ ठीक है अब शुरू हुआ। ए, आपने हमारा डायरेक्ट इंसल्ट किया है, आपने आपको धोखा दिया है क्या? अभी हम एक मिनट इधर दे देंगे। चलो मेरी बात तो सुनिए। अभी सुनने सुनाने को क्या रह गया मिसेस शराफ से, अभी कुछ नहीं सुना बनता, हम चलेंगे। आज सबके सामने तुम्हारे हाथों जो हमारी बेइज्जती हुई है उसे मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकती। शादी कर ली थी तो कम से कम बता तो देते। अम्मी मैंने आपको बताने की बहुत कोशिश की मगर आपके पास फुर्सत कहाँ थी? अब तो मिल गई है फुर्सत, कहाँ की है शादी? अम्मी वो अस्सलाम वालेकुम। चेहरा इस नाचने गाने वाली डोबने को इस घर की बहू बनाया है तूने? तूने इस जाहिल गवार लड़के से शादी की है? देख रहे हो तुम अपने बेटे की चॉइस? किस बिहाई से हमारे घराने की नाक कटवाई है? वो बेगम साहिबा आप सही फरमा रही हैं, लेकिन महल्ले पड़ोस का मामला है और हम लोगों ने कुछ दिन यहाँ रहना है। अंदर चलकर राउंड टेबल पर बैठ के बातें करे लेते हैं, खामखा जगह सही होगी। वो तो हो चुकी मिस्टर शिराजी, अब क्या होने को रह गया है? बेटी तुम अपनी सास की बात का बुरा न मानना है, ये अपनी आदत से मजबूर है, बच्चा बेकसूर है, इसने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया। अब तुम हंस रही हो यहाँ खड़ी खड़ी, अरे अंदर चलो। अरे चलो ना, मैं उस कमीने को शूट कर दूंगी। थाना? ओहो पुलिस मेरी माड़ी, आपको ब्लड प्रेशर है, आप पानी पियो। हटाओ इसे, मेरे सीने पर सांप लौट रहा है। थोड़ा नींद का इंतजाम करे। चुप रहो, जब तक मैं उस जहील से अपनी बेइज्जती का बदला ना ले लूं मुझे चैन नहीं आएगा। वो देहातन जाहिल गवार औरत इस घर की बहू बन गई है, मैं उसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। गालिब की इस गजल के अलावा आपके पास कुछ और भी है सुनने सुनाने के लिए? वो जी सुनने के लिए तो यही गजल है, वैसे सुनाने के लिए एक शेर अर्ज किया है। आप तो शेर शायरी की सोच रही है, यहाँ मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। ये तो बहुत अच्छा हुआ बेगम, खुदा ने मेरी एक मुद्दत की ख्वाहिश पूरी कर दी। क्या मतलब? मतलब ये कि जब घर में एक वफादार बगैर दुम का शौहर मौजूद है तो फिर किसी और को ये मुंह दिखाने की क्या जरूरत? आप मजाक कर रहे हैं और यहाँ मेरा दिल जल रहा है। हाँ वो गोश्त जलने की बू तो आ रही है, अगर आप इजाजत दें तो फायर ब्रिगेड को फोन करके बुला दूं, दो मिनट में बुझा के रख देंगे। ये आग सारी जिंदगी नहीं बुझ सकती मिस्टर शिराजी, इरफान ने उस जाहिल गवार लड़की को घर में लाके आपके अरमानों को माचिस की तीली दिखा दी, आपके जज्बात पर फिलिटी छिड़क दी। मैंने उसके लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे और वो क्या ताबीर लेकर आया इस घर में? जो होना था वो हो चुका बेगम, अब बानो बेचारी भी इस घर में अगर दो रोटियां खा लेगी तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। चलो ये भी मान लेती हूँ कि तू मजबूर था, मगर इतनी भी क्या कंजूसी थी, 30 पैसे की चिट्ठी भी नहीं भेज सका मुझे। मानो खुदा जो करता है ना अच्छा ही करता है, मैं अगर तुम्हें चिट्ठी लिखता मोहलत मांगता तो ये रंग तो ना जमता। बहरहाल मैंने तुम्हें अपने घर वालों के बारे में सब कुछ बता दिया है, बल्कि एक छोटा सा नमूना तुम देख भी चुकी हो। अब तुम सिर्फ ये बताओ कि इस घर में रह सकोगी? क्यों नहीं, औरत के लिए ससुराल उसका घर हो गए इरफान बाबू, और मैं इस घर को फूलों से सजाऊंगी।
नहीं सास जी, मगर हम इसे खराब तो नहीं कर रहे, संवार रहे हैं। लड़ा सास जी, मुझे आंखें दिखा दी। हमका ऐसे वैसे नान ना समझना सास जी, इन हाथों में शहर की नहीं गांव के असली घी की ताकत भरी है। कुसूर हो तो थप्पड़ नहीं जूते मार लेना, हम कुछ नहीं बोलेंगे, मगर आज के बाद बिना कुसूर के बालू के ऊपर हाथ उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा। हाँ क्या आप खुद समझदार हैं। तुम समझते क्यों नहीं सेक्रेटरी, वो कोई शहर की धान धान लड़की नहीं है, वो देहातों की फिजाओं में पली हुई एक मजबूत औरत है। मजबूत उस्ता की माफ मेरी माड़ी, औरत अगर मजबूत होती ना तो उसका नाम हिटलर हलाकू या चंगेज खान होता। औरत सन पे नाजुक है, मर्द के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नो वैल्यू ले ले। आप हुक्म करो ने तो मैं किराए के चार गुंडे बुलवा कर उसका सारा गुरूर खाक में मिला देता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो, हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। तुम अपने इस भेजे से ना कोई तरकीब सोचो, कोई आइडिया निकालो कि साफ भी मर जाओ लग भी ना टूटे। सलाम ससुर जी। जीती रहो बहू, माशाल्लाह आज तो बहुत चमक रही हो। जरा सास से बचा के कपड़े पहना करो। ओ बच्चा कहाँ है हमारा? कमरे में है। अच्छा हैरान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो फजर से ही इस नसीम के बर्तन बजने लगते हैं। अच्छा? दुनिया में सूरज मशरिक की तरफ से निकलता है, मगर इस मॉडर्न घराने की सुबह मगरबी मौसीकी से शुरू होती है। क्या ये कोई अच्छा तरीका है यहाँ? बहुत ही बेहूदा और नामाकूल तरीका है, मगर क्या किया जाए। एक बात बोले सुसर जी, कल से इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। मुश्किल है बहू, सालों की आदत दिनों में नहीं जा सकती। तेरा ना, तू ही बिगड़े बनाए।
सच्चा भी।